नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं हम हफ्ते की पहली वर्कशीट। आज दिन है सोमवार और तारीख है 22 फरवरी 2021। पहली वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट, जिसका नंबर है 175A। ये वर्कशीट आपके पार्ट मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पार्ट मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पार्ट पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियाँ करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। प्रश्न एक, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने का हुआ, घर में डैश नहीं था, भीखू भाई बहुत डैश थे। नारियल लेने के लिए वह डैश डैश और डैश में गए, परंतु उन्हें कहीं भी नारियल नहीं मिला। तो आपको पता चल गया कि भीखू भाई का मन क्या करने का, क्या खाने का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल, तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से डैश का फैसला किया। पेड़ से क्या करना पड़ेगा, नारियल को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका डैश फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया। हरे हरे डैश देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वह दोनों ही डैश में झूलने लगे। तभी एक डैश को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी डैश देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में डैश लगे। क्या हो गए थे, हवा में लटकने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वह नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें डैश रुपए और ऊंट वाले ने उन्हें डैश रुपए देने की पेशकश की। कहा था ना ऊँट वाले और घोड़े वाले ने कि नारियल मत छोड़ना, नारियल मत छोड़ना, बदले में इतने पैसे मिलेंगे। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों डैश फैला दी और वह तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक बड़ा सा डैश भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ये है आपकी कहानी, जिसमें आपको कहानी पढ़ने के बाद जो भी शब्द यहाँ पर सही सिद्ध हो रहे हैं उनको लिखना है। तो आप बड़ी आसानी से इस कहानी के शब्दों को लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारे शब्द वो हैं जो आगे की लाइनों में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये प्रश्न नंबर दो, पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा, शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है, इसका अर्थ होता है क्या है भाई। भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए अब हम कुछ और राज्यों की में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में से सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। तो आपको यहाँ पर एक शब्द जाल दिया गया है, जो आप देख सकते हैं ना, ये कलरफुल बॉक्स दिया गया है। इसमें कुछ शब्द अक्षर दिए गए हैं, जिसमें से आपको कुछ भाषाओं के नाम ढूंढने हैं। कौन सी भाषा का नाम ढूंढना है, इसके लिए प्रश्न है। पहला है केरल में बोली जाने वाली भाषा, तो केरल में बोली जाती है मलयालम, ढूंढिए कहाँ लिखा है मलयालम। फिर है गोवा में बोली जाने वाली भाषा, गोवा में बोली जाती है कोंकणी। तीसरा है हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा, हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं हरियाणवी। आखिर में पंजाब में बोली जाने वाली भाषा, पंजाबी। तो ये चारों भाषाओं के नाम आपको इसी बॉक्स में ढूंढने हैं, उन पर गोला लगाना है। प्रश्न तीन, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और ऐसे शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए जो साथ साथ इस्तेमाल हुए हों। तो आपको पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं जो जोड़े में इस्तेमाल हुए, जैसे अ से अलग अलग, ऊ से, ज से और च से, जो आपको ढूंढने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार, नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं,
इनमें से जिन स्थानों पर भीखू भाई नारियल की खोज में गए थे उन स्थानों के नाम के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्थान के नाम से याद करना है कि भीखू भाई यहाँ पर गए थे या नहीं। अगर गए थे वहाँ पर राइट लगाना है। जैसे पहला है मंडी, तो गए थे। दूसरा है गांव, क्या वो गांव में गए थे? नहीं। बंदरगाह, क्या वो बंदरगाह गए थे? हाँ। बगीचा, क्या वो बगीचा गए थे? हाँ। शहर में? नहीं। बाजार, हाँ। मॉल, क्या वो मॉल में गए थे? नहीं। तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है जहाँ पर भी वो गए थे। इसी के साथ आप अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 140 को कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि भारत में अनेक जातियों, धर्मों व भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत अनेकता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को किन्हीं तीन भारतीय भाषाओं में अभिवादन करना सिखाइए। इसके लिए आप अपने मित्रों अथवा इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को तीन अलग अलग भाषाओं में लोगों को नमस्कार करना और थोड़ी बहुत बातचीत करना ज़रूर सिखा सकते हैं। तो यह है आपकी आज की पहली वर्कशीट। इसी के बाद हम बढ़ेंगे आज की दूसरी वर्कशीट पर।